मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में सरकार ने शराब से आमदनी बढ़ाने के लिए लाइसेंस शुल्क में 15% वृद्धि करने का फैसला लिया है। सरकार ने लाइसेंस शुल्क बढ़ाने पर अब शराब महंगी हो जाएगी। सरकार ने शराब पर लाइसेंस शुल्क को 15% तक बढ़ा दिया है। साथ ही सरकार ने नई आबकारी नीति में यह तय किया है कि किसी भी धार्मिक स्थल से 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं होगी। शराब की दुकान धार्मिक स्थलों से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही होगी। सरकार के इस फैसले से अब किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास शराब की दुकान नजर नहीं आएगी। पिछली बार शिवराज सरकार के कार्यकाल में शराब दुकानों से लगे अहातों को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण शराब की बिक्री पर असर हुआ और सरकार की आमदनी भी घट गई। इसी वजह से सरकार ने अब शराब पर 15% लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है, जिसका असर सीधे तौर पर देसी और विदेशी शराब की बिक्री पर होगा और लोगों को शराब पीने पर ज्यादा पैसे देना होंगे। दुकानों के वर्ष 23-24 के वार्षिक मूल्य में हमने 15% की वृद्धि की है वर्ष का, और पिछले बार जो था 10% था। ये एक राजस्व बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम बनेगा, और उससे बढ़कर एक काम और हुआ है, जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में धार्मिक शैक्षणिक स्थल हैं उनसे 1-1.5 किलोमीटर मदिरा की दुकानें स्थापित की जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। एक दिन पहले ही लोकमत ने खबर में बताया था कि राज्य सरकार नई आबकारी नीति में 15% लाइसेंस शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। लोकमत की खबर पर सरकार ने मोहर लगाते हुए लाइसेंस शुल्क को बढ़ा दिया है। वहीं मोहन कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लेते हुए अब विश्वविद्यालय में कहलाए जाने वाले कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु कर दिया गया है, यानी कि अब विश्वविद्यालय के मुखिया को कुलगुरु कहा जाएगा। ये एक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक हमने पास किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्षों से एक परंपरा चली आ रही थी कि कुलपति, इसका नाम क्योंकि हमारी संस्कृति आस्था से जुड़ा है, इसको हम बोलेंगे कुलगुरु। ये एक बड़ा निर्णय ये भी है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।